नीलूज किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार ऐसे नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप इंस्टेंट घर पर बना सकते हैं, एक बार बनाएं और महीने भर तक इसे स्टोर कर सकते हैं। आज हम एक ही सामग्री से आपको बहुत सारे नाश्ते की रेसिपी बताएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए 1.5 कप मैदा। मैदे में हम डालेंगे नमक लगभग आधा टीस्पून, फिर डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर मीन्स काली मिर्च का पाउडर लगभग 1/4 टीस्पून, और डालेंगे हम इसमें मोयन के लिए देसी घी। आप इसमें तेल या वनस्पति घी भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसमें स्वाद बहुत ही बेहतर आएगा और ये बहुत ही ज्यादा करारे और खस्ता बनेंगे। अब हमें इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है और इसमें पानी डालकर हमें इसका आटा गूंद लेना है। यहाँ पे हमें आटे को ना तो ज्यादा कड़ा रखना है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट रखना है, इसे हमें सेमी सॉफ्ट डो बनाना है, ये देखिए। और इसे हमें ढककर लगभग 15 मिनट के लिए रख देना है अच्छे से रेस्ट के लिए। अब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ले ली है मोटी नमकीन, जो मोटी सेव आती है वो ली है 1 कप। फिर डालेंगे 1 टेबल स्पून शुगर, थोड़ी सी डालेंगे हम इसे टार्ट्रिक भी कहा जाता है, सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है, या नींबू का फूल भी कहा जाता है, ये बहुत ही खट्टा होता है। फिर डालेंगे 1 लाल मिर्च सूखी हुई, आधा टीस्पून डालेंगे सौंफ, थोड़ी सी डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक बहुत ही कम डालेंगे क्योंकि सेव में होती है नमक, और 1 टीस्पून डालेंगे सफेद तिल, और बड़ा 1 चम्मच डालेंगे तेल, इससे बाइंडिंग आएगी। और इन सारी चीजों को हमें पीस लेना है। ये देखिए हमारी इंस्टेंट स्टफिंग तैयार हो चुकी है और ये स्टफिंग बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, बिल्कुल मार्केट जैसे सारे नमकीन आज बनने वाले हैं घर पर। तो हमें इसे एक बोल में निकाल लेना है और हमारा अब ये जो आटा है ये भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है, और हमें इसे थोड़ा सा मसल लेना है ताकि जो सारे नमकीन बने वो बहुत ही अच्छे और करारा बने। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छे से मसल लिया है। अब हम यहाँ पे समोसा बनाने के लिए शुरू करेंगे। आज हम पहले बनाएंगे छोटे मिनी समोसे, जो बिल्कुल हल्दीराम या फिर बीकानेरी कंपनी के मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आज हम बनाएंगे, बिल्कुल ये मार्केट जैसे ही बनते हैं। तो देखिए हमने एक बड़ी रोटी बना ली है और इसे हम एक छोटे ढक्कन से काट रहे हैं क्योंकि सारे समोसे इक्वल साइज के बने। अब देखिए हमने यहाँ पे जो छोटी छोटी पूड़ियां बनाई है इसे हम 2 हिस्सों में काट लेंगे। नहीं, ये देखिए हमने सारी पट्टियां बना ली है समोसे के लिए, और देखिए अब हम इस पे पानी लगाएंगे ताकि समोसे खुले नहीं और इसमें से स्टफिंग बाहर नहीं आनी चाहिए। अब देखिए हम इसे किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल हमें दोनों जॉइंट को अच्छे तरीके से चिपकाना है, और हमने पानी लगाया है तो ये अच्छे तरीके से इस पे चिपक जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल मार्केट में या होटल में इसी तरीके से समोसे बनाए जाते हैं। अब हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे लगभग 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि हम यहाँ पे मिनी समोसे बना रहे हैं तो स्टफिंग आपको इतनी ही डालनी है, ज्यादा मत डालिए वरना समोसे फट जाएंगे। अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसे अब हम चिपका देंगे। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे जॉइंट की है उसके जस्ट अपोजिट साइड आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से एक चुन्नट लानी है और इसे अब बिल्कुल दोनों जॉइंट को साथ में चिपकाते हुए पूरे समोसे को चिपका देना है। यहाँ पे हमने पानी लगाया है तो ये बहुत आसानी से चिपक जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपके समोसे रेडी हो जाएंगे, ये देखिए। और इसी तरीके से हम बाकी के सारे समोसे बनाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और समोसा बनाकर दिखाऊंगी। देखिए पहले हम इसमें पानी लगाएंगे, फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच में हम डालेंगे स्टफिंग और इसे अच्छे तरीके से अंदर प्रेस करेंगे, और इस पर एक पीछे के साइड एक चुन्नट बनाकर इस तरीके से चिपका देंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत छोटा सा मिनी समोसा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे समोसे बना लेंगे। यहाँ पे आज मैं आपको करीबन 3 से 4 प्रकार के ये समोसे या फिर कचौरियाँ बनाना सिखाऊंगी, जो कि बिल्कुल मार्केट में इसी स्वाद के इसी खस्तेपन से जो मिलते हैं, जो इतने महंगे,
हमें जो मार्केट में मिलते हैं वो हम बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो देखिए, हमने एक ही साइज़ के छोटे छोटे बॉल्स काट लिए हैं और इसे हमें इस तरीके से फैलाकर, देखिए इसमें स्टफिंग डालनी है और इसकी छोटी छोटी कचौरियाँ बनानी है। आपको इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पैक करना है, बिल्कुल इसे खुला नहीं रखना है, बहुत ही अच्छे से प्रेस करते हुए आपको देखिए एक छोटा सा बॉल बनाना है और इसे इस तरीके से कचौड़ी बनानी है आपको। ये देखिए बहुत ही इजी है, समोसा बनाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन कचौड़ी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे, बिल्कुल बीकानेरी स्टाइल की कचौड़ियाँ हैं। अब यहाँ पे हम एक तीसरा स्टाइल देखेंगे, क्योंकि मैंने इस तरीके की छोटी छोटी शीट बना ली है और इसके कॉर्नर पे भी मैं पानी लगा रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब सभी के सेंटर में हम डालेंगे इसकी स्टफिंग, हम बहुत एक एक चम्मच के करीब, मतलब थोड़ा थोड़ा डालेंगे स्टफिंग, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना ये चिपकेंगे नहीं और पूरी जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर आने लगेगी। देखिए हमने इसे चिपका दिया है और इसे अच्छे से प्रेस करके आपको चिपकाना है। अब ये अच्छे तरीके से चिपक जाए इसके लिए देखिए इस तरीके से फोक की सहायता से इस पर प्रेस कर रहे हैं ताकि अच्छे से चिपक भी जाएगा और इसमें एक अच्छी खूबसूरत डिजाइन भी हो जाएगी। देखिए इस तरीके से कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब हमें इसके कॉर्नर को, साइड के जो कॉर्नर्स हैं, इसे पानी लगाकर चिपका देना है तो ये एक और मज़ेदार डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी जो कि बिल्कुल नई है और बहुत ही आसान भी है। ये देखिए अब यहाँ पे हमारे ये तीन प्रकार के मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं लेकिन एक हमने आपको फोल्डिंग करना नहीं दिखाया है। यहाँ पे हमने एक मिनी भाकरवड़ी भी बनाई है। तो चलिए, तेल को हमने गरम कर लिया है। अब हम इन सारे समोसों को, कचौड़ियों को या जो नमकीन है जो नए डिजाइन की है, इन सबको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए समोसे कितने क्रिस्पी, करारे और मजेदार दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्वादिष्ट लग रहे हैं। और इसी तरीके से हम बाकी के सारे नमकीन फ्राई कर लेंगे। देखिए समोसे तो हो गए हैं रेडी। अब यहाँ पे हम ये जो हमारी कचौरियाँ और ये जो नए तरीके की जो फोल्डिंग हमने आज सीखी है उसे भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कचौरियाँ भी देखिए कितनी खस्ता है, कितने मज़ेदार दिखाई दे रहे हैं आपको। और इसी तरीके से हमने ये देखिए मिनी भाकरवड़ी भी बनाई है, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लग रही है। अब यहाँ पे मैंने समोसे को तोड़कर आपको दिखाया है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी, करारे और खस्ता बने हैं। ये देखिए आप इसकी आवाज़ सुन ही सकते हैं, ये कितने करारे बने हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और एक बार बनाकर महीने भर तक आप इसे खा सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।